सुप्रभात बच्चों, आप सभी को आज की हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ते पढ़ते आ गए हैं हमारे शरीर के अंगों तक। अंग यानी पार्ट्स। तो देखते हैं एक बिन्नी के शरीर में क्या क्या अंग हैं। तो चलिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ है अपनी बिन्नी। यह एक स्वीट गर्ल है, एक अच्छी लड़की है। और लड़की का नाम क्या है? बिन्नी। और बिन्नी के शरीर के भागों को हम देखेंगे, ठीक है। बिन्नी की आंखें दिखती है चमकते तारे। आंखें यानी आइस कैसे दिखती है? हाउ इट लुक्स? चमकते तारों की तरह। तारा मतलब स्टार्स, चमकना, टिमटिमाना, ग्लिटरिंग स्टार्स की तरह हमारी बिन्नी की आंखें दिखती हैं। तो पढ़िए, बिन्नी की आंखें दिखती है चमकते तारे। बिन्नी की नाक सूंघती है फल फूल सारे। नाक यानी नोस, देखो ये है नोस। क्या करती है? सूंघती है। ऐसे सूंघते हैं ना, हाँ, जैसे हम मनक सूंघते हैं, स्मेल करते हैं। क्या क्या करते हैं? फल फूल सारे। फल की भी खुशबू होती है और फूल फ्लावर की भी खुशबू होती है। और फ्रूट और फ्लावर की जो खुशबू है, स्मेल है, उसे सूंघती है। किस से सूंघती है? नाक से, है ना, नाक नो से। बिन्नी के कान, कान मतलब ईयर्स। देखो यहाँ पर ईयर्स है, दो ईयर्स है ना। कान सुनते हैं रोज नई कहानी। हमें अपनी मम्मी कहानी सुनाती है ना, मम्मी या दादा दादी कोई भी कहानी सुनाती है ना। किससे सुनती हैं, कैसे सुनते हैं हम? हमारे कान से। तो बिन्नी सुनते हैं कहानी कैसे? अपने कान से। बिन्नी की जीभ, जीभ यानी हाँ टंग, ये जीभ, जीभ दिखती है, सॉरी चखती है चीजें खट्टी मीठी। खट्टी मतलब सॉस, मीठी मतलब स्वीट। एर पुलिम एर मधुरम, ओके। इंग्लिश हम टेस्टी, इन्हें कैसे टेस्ट करते हैं? हाँ, अपने जीभ से। देखो ये बिन्नी का जीभ है, तो बिन्नी की जीभ चखती है, चखना टेस्ट, टू टेस्ट, चखती है चीजें थिंग्स खट्टी मीठी। बिन्नी के दो नन्हे नन्हे हाथ। आपके हाथ कैसे हैं दिखाइए मैं? हाँ, ये देखो क्यूट सा, छोटा सा, नन्ना नन्ना सा हाथ है ना। तो नन्ना नन्हे हाथ ताली बजाने में देते साथ। ताली बजाना क्लाप करना, ताली बजाना मतलब क्लापिंग। हाँ, तो क्लाप करने में हम कौन कौन से हाथ, कितने हाथ यूज़ करते हैं? अपने दोनों हाथ को यूज़ करते हो, दोनों को मिलाकर हम ताली बजाते हैं। तो बिन्नी के दो नन्हे हाथ, ये हैं दो नन्हे हाथ, क्या करते हैं? ताली बजाने में साथ देते हैं। बिन्नी के दो नन्हे पैर, पैर मतलब लेग, पैर मतलब लेग, नन्हे पैर रस्सी कूदते और करते से। रस्सी कूदना, आपको स्किपिंग आता है, रोप से स्किपिंग करते हैं आप, हाँ उसे रस्सी कूद कहते हैं। रस्सी मतलब रोप, रोप से हम स्किपिंग करते हैं, उसे रस्सी कूद कहते हैं। रस्सी कूदते में साथ देते हैं और सैर करने में, सैर करना वॉकिंग के लिए जाना, हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग के लिए चले जाते हैं ना, वॉकिंग के लिए भी अपना साथ देते हैं। बिन्नी का मुँह, मुँह मतलब हाँ माउथ, मुँह बोलता है मीठा और नरम। कैसे वो बात करते हैं, बिन्नी कैसे बात करते हैं? बहुत मीठी मीठी बोली बोलते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। बिन्नी का चेहरा यानी फेस, देखो बिन्नी का चेहरा बहुत सुंदर है ना। रखता है खिला खिला हरदम। खिलना मतलब फूल खिलना, मतलब क्या है? ब्लूमिंग, मतलब बहुत खुश रहते हैं। तो खिला खिला सा रहता है, सुंदरता है। क्या आपका चेहरा भी खिला खिला सा है? हाँ, सबका चेहरा कैसा है? खिला खिला सा रहता है, हंसता मुस्कुराता सुंदर सा चेहरा है ना। तो बिन्नी का चेहरा भी है कैसे? खिला खिला हरदम। हरदम मतलब ऑलवेज, कैसे रहते हैं? खुश रहते हैं, है ना। तो देखिए हमने क्या क्या देखा, आंखें, नोस,
कान, जीभ, हाथ, पैर, मुंह और चेहरा। मुंह मतलब होता है माउथ, चेहरा मतलब होता है फेस। हमारे माउथ मतलब हमारा होंठ, जीभ, दांत सबको मिलाकर हम माउथ कहते हैं ना, ये हमारा मुंह होता है। मुंह से हम खाना खाते हैं। और चेहरे में क्या क्या होता है? हमारा आँख होता है, नाक होता है, मुंह होता है और चीक होता है, कान होता है, ये सब हमारे चेहरे पर होता है। ओके, तो हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, रीड इट अगेन। बिन्नी की आँखें देखती है चमकते तारे, बिन्नी की नाक सूंघती है फल फूल सारे, बिन्नी के कान सुनते हैं रोज नई कहानी, बिन्नी की जीभ दिखती है सॉरी चखती है चीसे खट्टी मीठी, बिन्नी के दो नन्हे हाथ ताली बजाने में देते साथ, बिन्नी के दो नन्हे पैर रस्सी कूदते और करते सैर, बिन्नी का मुंह बोलता है मीठा और नरम, बिन्नी का चेहरा रखता है खिला खिला हरदम। तो पढ़ने में आया, वेरी गुड। अब हम एक बार फिर से शरीर के अंगों के नाम को देखते हैं। ओके, मेरे साथ पढ़िए। चेहरा यानी फेस, पैर, लेग, जीभ, टंग, कान, ईयर, आंखें, आइज, हाथ, हैंड, नाक, नोज, मुंह, माउथ। और ये है आपका दूसरा कार्य, क्रिया यानी वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है? जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आपको पढ़ा रहे हैं, टीचिंग, टीचिंग इज ए वर्ब, वो एक क्रिया है। मैं लिख रही हूँ, लिखना, राइटिंग, वो एक क्रिया है। आप अभी देख रहे हैं, है ना, मुझे देख रहे हैं, वो एक क्रिया है। खाना खाना, ईटिंग, वो भी एक क्रिया है। यानी जो कार्य हम करते हैं, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്ന ഓരോ ജോലികളും അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. യഹാ ദേഖേ, ജിൻ ശബ്ദോ സേ കിസി കാര്യ കാ കർണ യാ ഹോന, കാര്യ ഹോ ജാത്താ ഹേ യാ ഹം കർത്തേ ഹേ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആവുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്ത ഹോ ഉനെ ഹം ക്രിയ കേത്തേ ഹെൻ, ജേസേ കി ഹം കോയി കാര്യ കർത്താ ഹെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയും? ക്രിയ എന്ന് പറയും. തോ ദേഖേ യഹാ പർ കുച്ച് ചിത്ര ഹേ, ഖാന മത്ലബ് ഈറ്റിംഗ്, യഹാ പർ ഏക് ലഡ്ക ബേറ്റ്കർ ഫ്രൂട്ട്സ് ഖാ റഹാ ഹേ, ഫൽ ഖാ റഹാ ഹേ, വഹ് ഏക് ക്രിയ ഹേ, ഖാന. ലിഖ്ന യാനി റൈറ്റിംഗ്, തോ യഹാ പർ ഏക് ലഡ്കി ക്യാ കർ റഹി ഹേ, ലിഖ് റഹി ഹേ. नाचना यानी डांसिंग, वो भी क्या है? एक क्रिया है. और पढ़ना रीडिंग, चलना वॉकिंग, गाना सिंगिंग, रोना क्राइंग, हंसना स्माइलिंग, खेलना प्लेइंग. तो जैसे ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ പ്രവൃത്തികളെയാണ് ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. तो ये बार फिर से पढ़े. खाना, लिखना, नाचना, पढ़ना, चलना, गाना, रोना, हंसना और खेलना, तो इसे हम क्रिया कहते हैं. एक बार फिर से पढ़े. क्रिया यानी वर्ब. जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं. ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ക്രിയ എന്ന് പറയും. തോ യഹ് താ ആപ്കാ ആജ് കാ ആജ് കി കക്ഷ, തോ ആപ്കാ ഗ്രഹകാര്യ ദേഖേ, ക്രിയ ഓർ ശരീർ കെ അംഗോ കെ നാം പുസ്തിക മേ ലിഖേ. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ക്രിയ വർബ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വർബ് ആൻഡ് ശരീർ കെ അംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ബോഡി, ഉസെ ആപ്കോ അപ്നെ നോട്ട്ബുക്ക് മേ ലിഖ്നാ ഹേ. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക് ആൻഡ് ലേൺ ഇറ്റ്. താങ്ക് യു, ധന്യവാദ്.